टीकमगढ़ जिले के समर्रा पंचायत के कुसमड़ खेरा गांव के लोग अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोगों को अंधेरे में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। गांव में बिजली विभाग द्वारा 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, लेकिन लापरवाही के चलते दोनों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, जिससे पूरा गाँव अंधेरे में डूब गया। किसान खेती किसानी के लिए लाइट की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांव के पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर गांव के ही जनप्रतिनिधि सरपंच व सचिव से चर्चा की, लेकिन इन प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके चलते गाँव की बड़ी ही दयनीय स्थिति नजर आ रही है, जिसके कारण गाँव के लोगों को दूसरे शहर में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। बताएं भैया, आप किस गांव से हैं? कुसमड़ खीरा ग्राम पंचायत समर्रा। बताएं क्या समस्या है आप लोगों को? JEDP की हर साल बिल्कुल पूरी साल एक से बड़ा बिल भर रहा है। हाँ। और जो DP टाइम पे DP नहीं बदल रहा है। आपने शिकायत की कहीं? जी, लाइन मैन को 3 बार बोल चुके। वो क्या कहते हैं? वो कहते थे अभी नहीं, वो YC से बात करो, कंकुई से बात करो। और खेती के लिए आप परेशान हो रहे हैं। गाँव में कितनी DP लगी आपकी? 2। दोनों सही है क्या? दोनों खराब हैं। दोनों खराब? कब से खराब हैं जी? जी जुलाई से। तो पानी की समस्या है, बाकी आप और भी कोई समस्या है गांव में? खेती की भी समस्या है। और खाद बीज का कैसा? खाद बीज की भी समस्या है। खाद के लिए आपने सोसाइटी में नहीं गए क्या? सोसाइटी पे गए थे, वो बोल रहे थे कि पिछले हमने की पिछले बकाया भर रहा, कह रहा नहीं पिछले बहन होने मिल रहे। शुभ नाम क्या बताया आपने? विक्रम सिंह लोधी। बताएं सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश सिंह लोधी है। किस गांव से हैं? मैं यहीं कुसमड़गीरा गांव से हूं, मेरी ग्राम पंचायत समर्रा है। बताएं आपको क्या क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर सर, और कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? सर, हमारे गाँव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे ग्राम पंचायत से हमारे गाँव की दूरी 1 किलोमीटर है, जहाँ से हम लोगों को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बारिश में बच्चों को रोड से जाते वक्त में कीचड़ वगैरह झेलना पड़ता है, अधिकांश बच्चे जा नहीं पाते हैं। और कई बार तो बारिश में बाढ़ आने के कारण 1-2 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें कुछ बच्चे बह गए हैं। नहीं, इधर क्या नदी है कि एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, और जब बारिश के मौसम में करीब 2 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। फिर आप लोग कैसे आना जाना होता आपका? हम लोग एक अजनौर साइड से एक रोड गया है, वहाँ से हम लोगों को 6 किलोमीटर का राउंड लगा के ग्राम पंचायत मुख्यालय जाना होता है। और इधर लाइट की समस्या भी है? मैंने बिजली की समस्या का ऐसा है सर, यहाँ पर विगत 3 वर्षों से कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं आया है। ग्रामवासी विद्युत केंद्र जाते हैं तो वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, ना ही विधायक जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला है। पिछले महीने हम लोगों ने निजी खर्चे पर ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवा के रखवाया था, वो भी ट्रांसफार्मर 2 महीने में ही जल गया था। और कई शिकायतें 181 पर भी की हैं, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी भी वर्तमान में भी कोई भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर चालू नहीं है, हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं। आप बताएं प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रशासन से बस हमारी यही मांग है कि हमारे गाँव में जो बिजली की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, और गाँव में जो मोदी द्वारा नल जल योजना चालू की गई है वो भी बंद चल रही है, और उसको सही तरीके से बिछाया नहीं गया है। जगह जगह पर जो पाइप हैं वो फटे हुए हैं, और हर जगह कीचड़ मचा रहता है। और आप देख ले सकते हैं कि गांव में लगभग ये ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मवेशी निकलती हैं, यहीं खेलते हैं बच्चे, कई लोग बीमार पड़ते हैं, और आए दिन मच्छरों के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।